मैम जो ये कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई और रेमडेसिविर कहाँ से प्राप्त किया आप लोगों द्वारा? कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खंबारा टोल तरफ नागपुर से कोई व्यक्ति कुछ इंजेक्शन जैसा पदार्थ एक पार्सल डिब्बे में लेके जा रहा है। गाड़ी नंबर क्लियर नहीं था। चेकिंग के दौरान 1-2 घंटे में हमको एक गाड़ी आई जिसमें ड्राइवर ने कहा कि वो कोई मेडिकल सामान लिए है और नागपुर से मंडीदीप पार्सल ले जा रहा है। तो जब हमने तस्दीक की तो उसके पास कोई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं थी। और मैंने जब मेडिकल सामान दिखाने को बोला तो जब मेडिकल पार्सल खोला गया तो उसके अंदर 4 इंजेक्शन निकले जिनको देखने पर उन पर नीनाबिर 100 लिखा हुआ था। जब डॉक्टर से मैंने बात करी और पता किया कि ये क्या है तो डॉक्टर ने बताया कि ये रेमसिडिविर इंजेक्शन का ही सब्स्टिट्यूट है। तब फिर हमने उसको अपने कब्जे में लिया और फिर उस पर कार्रवाई की। मैम किसके लिए लेके जा रहे थे कुछ पता चला? कितनी कॉस्ट है इनकी? ड्राइवर ने जब ड्राइवर से पूछताछ की मौके पर तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसको सिर्फ पता था कि वो ये पार्सल ले जा रहा है मंडीदीप, उसको छोड़ना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली विवेचना करने में लगे हुए हैं और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उन पे फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी इसमें मैम कोई आरोपी पकड़ाया है कोई? हाँ, अभी जो ड्राइवर है वो हमारे अभिरक्षा में है और हमने उसको इसको आपदा प्रबंधन के तहत FIR कर उसको हाँ, गिरफ्तार किया है। जैसे इनको कहाँ रखेंगे आप रेमडेसिविर को? इनको डॉक्टर से जो हमने पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि ये कूलेंट में ही रह पाएंगे, तो इनको एक कूलेंट प्लेस पर फ्रीज़र में रखा गया है।